अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम इमरान और आप देख रहे हो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, जो आजकल का दौर चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल का जो है ना बिल्कुल डिजिटल दौर चल रहा है, तो हमें जो चाहिए कि अपने जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है और जो ऑलरेडी चल रही है, उनको जो है वो बिल्कुल डिजिटल टाइप की एजुकेशन देना, क्योंकि आगे जो फ्यूचर आ रहा है वो बिल्कुल डिजिटल वाइज है। और हमारे घर में, जैसे कि अगर हमारे घर में कोई लेडीज़ है, किसी कल्चर में जो है वो लेडीज़ को अलाउ नहीं किया जाता कि वो घर से बाहर जाएं काम करें। यू नो, यू कैन थिंक अबाउट इट दैट देयर इज लॉट ऑफ यू नो प्लेसेस इन द वर्ल्ड देयर वेयर दे आर नॉट अलाउइंग वुमेन टू वर्क आउटसाइड द होम, आउटसाइड एनीवेयर। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर उनको एक चीज़ की जो है ना ट्रेनिंग दी जाए, एजुकेशन दी जाए, हाउ टू यूज़ यू नो डिजिटल थिंग्स, जैसे कि ये वुमेन को ये सिखाया जा सकता है। अगर उनके पास कोई हुनर है, जैसे कि वो स्टिचिंग करती हैं, उनको स्टिचिंग आती है, या वो जो है वो यू नो ब्यूटीकन है, या वो ऐसा टाइप ऑफ यानी खाना बनाती हैं, कुछ ऐसा बनाती है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी पाई जाती है कि वो अपना जो है वो सिंपल सा यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। उसके लिए आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें। यू नो, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो लेडीज़ हैं घर में, वो एकदम सिंपल सा काम करती हैं, या उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वो स्टिचिंग बहुत प्यारी करती हैं, तो उसके हवाले से वो वीडियो बना लें। अगर उनको एडिट करना नहीं आता तो वो किसी अपना भाई से या अपना हस्बैंड से या किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें, उसको एडिट करके नाइसली वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के अपना जो है वो चैनल मोनिटाइज करवा के और फ्यूचर में बहुत अच्छी कमाई कर सकती है। इसमें आपके घर वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर आपका हस्बैंड है वो अकेला कमाने वाला है, तो उसके ऊपर इतना बोझ है कि वो बहुत परेशान सा रहता है, तो आप उसका एक बाजू बन सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, या हस्बैंड है या नहीं भी है, देखें दुनिया में बड़ी सारी चीज़ें जो है ना पाई जाती हैं। हर किसी को अपनी जो है ना कुछ मुश्किलात होती हैं जो दूसरों के साथ वो शेयर नहीं करता। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप अपना काम करके आराम से घर में बैठ के ही पैसे बना सकते हैं विद। सो इस तरह से आप अपना YouTube चैनल बना के उसको मोनिटाइज कर सकते हैं, और उसके बाद में आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। उसके बावजूद आप अगर वेल एजुकेटेड हो, आप किसी जगह जॉब करते हो, या आपका ऐसा यानी कि रिलेटेड जॉब करते हो कि जो अगर आप उसके यू नो रिलेटेड वीडियो बना के कुछ आप अपने चैनल पे अपना चैनल बना के उसके ऊपर अपलोड करते हो, तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो मैंने बात की, तो बिल्कुल सिंपल जो घरेलू हमारी लड़कियां होती हैं या कुछ लड़के होते हैं, सिंपल से जो ये उनको इतनी कुछ एजुकेशन नहीं है, उनके लिए चीज़ बड़ी पाई जाती है। तो काइंडली आई एम रिपीटिंग अगेन, लेट योर, इसलिए अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन देना मत भूलिए कि जितना भी आप कर सकते हो वो करें। तो इसलिए काफ़ी कंट्रीज़ में ये मिसाल पाई जाती है कि जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, इवन के वो अगर मिडिल क्लास के होते हैं, यानी कि बिल्कुल लोवेस्ट टाइप ऑफ फैमिली के होते हैं, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप फिर भी कोशिश यही करें कि अपना बच्चों को जो है वो बिल्कुल अच्छा एजुकेशन दें, ताकि वो बड़ा हो के आपका एक अकाउंटेबिलिटी बने। ये आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब वो बच्चे बड़े होंगे, उनका अच्छा जॉब होगा, वो बिल्कुल डिजिटल तरीका सीखेंगे, उसके बाद में आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और आप कहेंगे कि वाकई जो हमने ज़िंदगी में कमाई की थी इतनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाया, और आज हम बैठ के आराम से खा भी रहे हैं और ज़िंदगी भी आराम से बसर करें। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो हमारी बिल्कुल मिलती रहेंगी। ये बंदे को इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।